हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है बीम ढलाई करने के बाद कितने दिनों में ईंट जोड़ाई करना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड, आप प्लिंथ बीम और बीम ढलाई यानी कि कंक्रीट करने के बाद आपको कितने दिनों बाद आपको उस पर काम ऊपर कराना चाहिए, यानी कि ये हो गया आपका प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम आपको कंक्रीट हो गया यानी कि कास्टिंग हो गया, यानी कि आपको ढलाई कर दी है। तो ढलाई करने के बाद आपको कितने दिन बाद आपको यानी कि ईंट जोड़ाई करना चाहिए, ईंट के जोड़ाई करना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जानना ज़रूरी है, ताकि आपको प्लिंथ बीम ढलाई कर रहे हैं तो कितने दिनों बाद आपको ईंट जोड़ाई करना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड। तो मान लीजिए फ्रेंड, ये हो गया प्लिंथ बीम, ये हो गया आपका प्लिंथ बीम और ढलाई कर दी है। तो ढलाई करने के बाद आपको मिनिमम आपको 8 डेज से लेकर 10 डेज तक आपको इस पर काम नहीं करना चाहिए, यानी कि ऊपर जोड़ाई नहीं करना चाहिए। तो आपको मिनिमम 8 डेज से लेकर 10 डेज तक आपको यानी कि क्यूरिंग करना चाहिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही आपको 8 से 10 दिन बाद आपको ईंट जोड़ाई करना चाहिए प्लिंथ बीम के यानी ढलाई करने के बाद। ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं फ्रेंड बीम का, ये हो गया बीम। बीम कास्टिंग करने के बाद यानी कि ढलाई करने के बाद कितने दिनों बाद आपको यानी कि चिनाई करना चाहिए, यानी ये हो गया आपका चिनाई यानी कि ब्रिक वर्क करना चाहिए। तो आपको ब्रिक वर्क करना चाहिए बीम ढलाई करने के बाद मिनिमम आपको 7 डेज से लेकर 7 डेज से लेकर 10 डेज तक आपको इस पर काम नहीं करना चाहिए प्लिंथ बीम ढालने के बाद। 7 डेज से लेकर 8 डेज तक के बाद आपको इस पर ब्रिक वर्क करना चाहिए। ठीक है। तो आप इस वीडियो में जान लीजिए प्लिंथ बीम और बीम ढलाई करने के बाद कितने दिनों बाद आपको इस पर काम करना चाहिए, यानी कि ईंट जोड़ाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।